Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Assamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalay Road, Hirapatti, Assamgarh. सरकार के लाख दावे के बाद भी ईंट भट्टों पर बंधुआ मजदूरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के देवरपुर में ईंट भट्टे पर पिछले दो महीनों से छत्तीसगढ़ प्रदेश से मजदूरी करने आए चार बच्चों समेत आठ को बंधक बनाकर काम कराया जाता रहा। जब पैसा मांगा जाए तो धमकी दी जाती थी, यही नहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी भी होती थी। आज पीड़ित मजदूर भागने के लिए रोडवेज बस पर जिला मुख्यालय आने लगे तो बस को जबरन रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि बस चालक ने दिलेरी दिखाकर रोडवेज तक पहुंचाया, जहां पीड़ित मजदूरों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंचे श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि जो भी बकाया है उसे दिलाया जाएगा और ईंट भट्ठे की जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि ईंट भट्टों पर श्रम विभाग निगरानी का दावा तो करता है, लेकिन इसके बाद भी जमीनी हकीकत की कलई गुरुवार के दिन खुल गई। देवपुर में दबंग ईंट भट्टा मालिकों ने अपने ठेकेदार के जरिए काम व उचित दाम का प्रलोभन देकर छत्तीसगढ़ से मजदूरों को अपने यहाँ बुला लिया। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ईंट बनवाई जाती थी, लेकिन मेहनताना के नाम पर मात्र कुछ रुपये देकर इन्हें चुप करा दिया जाता था। यहां तक कि पीड़ित मजदूर व उनके परिवार खाने को भी मोहताज हो गए थे। दो महीने बाद जब मौका पाकर वह भाग निकले तो पूरा मामला सामने आया। पीड़ित मजदूरों ने अपना दुख दर्द बयां किया। थे ईंट बनाने के लिए क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? हम लोग को पैसे नहीं दे रहे, हम लोग काम कर रहे लेकिन हम लोग को पैसे नहीं दे रहे। बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग से काम करवा रहा है, हमको पैसे उसे नहीं दे रहा है। तो हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को मारते पीटते बस पर आया है, बस पे मारते पीटते यहाँ तक हमको लेकर आया है और पैसे वैसे नहीं दे रहा है। और भट्टे पे ईंट भरने के लिए आता है, वो लोग भी हम लोग से छेड़खानी करते हैं। कब से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग को दो ढाई महीना हो गया। क्या महीने के वेतन हुए? हम लोग को नहीं दिया है, बस खर्ची बस 200-400 ऐसे खर्ची देता है और पैसे नहीं दिया है। काम किए हैं वो। क्या चाहते हैं? हम लोग घर जाना चाहते हैं, हम लोग जो काम किए हैं उसको पैसा चाहिए हम लोग को। बहरहाल अब श्रम विभाग के अधिकारी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। मैसा शिवांगी ईंट भट्टा बुढ़नपुर में कुछ लेबरों द्वारा शिकायत की गई है कि मुझे बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं दिया गया है और ये सब अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार है और जो भी मजदूर आए थे ठेकेदार द्वारा लाया गया था। तो मैं अभी भी बुढ़नपुर जा रहा हूँ ईंट भट्टे पर, जो भी इनका बकाया भुगतान है मैं इनको दिला देता हूँ और सुरक्षित ये अपने घर चले जाएंगे। कहाँ पर रहने वाले हैं, कब से काम कर रहे हैं? ये लगभग दो माह से बता रहे हैं कि मैं दो माह से कार्य कर रहा था और मालिक द्वारा कुछ पैसा दिया गया है और अभी पूरा मजदूरी नहीं दिया गया इनको। कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर छत्तीसगढ़। कौन गांव है? देखता हूँ जो बकाया मजदूरी वो दिला दूंगा और ईंट भट्टे मालिक के प्रति न्यूनतम वेतन नियम के अंतर्गत कार्रवाई करूँगा और देखूंगा कि ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार के अंतर्गत लाइसेंस लिए हैं कि नहीं, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करूंगा। अब भट्टे पे जांच करने जा रहा हूं और जो मजदूरी बकाया है इन लोग के हिसाब से जितना बता रहे हैं अब वो बकाया मजदूरी मैं दिला दूंगा। रैन बसेरा में व्यवस्था कर रहे हैं तब तक।
जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के टेलुआ गांव निवासी 65 वर्षीय किसान शंकर पुत्र घुरहू की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर व सीओ सदर ने लोगों को समझा बुझाकर और पीड़ित परिजनों को सरकारी आर्थिक मदद का भरोसा देकर 2 घंटे बाद जाम समाप्त कराया। मिली जानकारी के अनुसार किसान मऊ के चिड़ियाकोट व आजमगढ़ के रासेपुर मुख मार्ग से आवारा मवेशियों को भगाने के लिए खेत की तरफ पैदल ही जा रहे थे। घटनास्थल से ही रोड से रास्ते में खेत की तरफ मुड़ने ही वाले थे, तभी हादसा हो गया। अचानक आया ट्रक बुरी तरह से कुचलकर भाग निकला। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही जहानागंज थाना की फोर्स मौके पर पहुंच गई। करीब 2 घंटे तक जाम के बीच सीओ सदर मोहम्मद अकमल और एसडीएम सदर अरुण सिंह भी मौके पर पहुंचकर किसान बीमा योजना दिलाने का आश्वासन दिए। बाद में टेलुआ के प्रधानपति व जहानागंज के प्रधान संघ अध्यक्ष देवनाथ यादव ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। इस बीच बड़हलगंज बाजार में भी बाईपास के कारण 2 घंटे तक जाम लगा रहा। और ट्रक वाला आया, वो मार के चला गया। खेत जा रहे थे जी। हाँ, चक्का जाम हम किए थे। वही कि आप लोगों की मांग पूरी होगी, यही कहे और कुछ तो नहीं कहे। क्या मांगे थी? वही बीमा वाला। थाने पे गए थे। थाने पे भी वही बात हुई है। वो यशो साहब भी पहुंचे थे मौके पर। पीछे शटर वाला आया, मारा, फिर कुचलते हुए निकल गया अपना। मौके पर कोई थे नहीं, देख भी नहीं पाए कौन था कैसे था। जाम लगाए थे। जाम लगाने के बाद गए तो एसडीएम सीओ सिटी लोग का आश्वासन दिए कि आपका क्लेम पास कराया जाएगा। गरीब वर्ग के समण समाज के लिए शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित होने से समण समाज के छात्रों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पढ़ाई व प्रतियोगिता में उनका मन रमने लगा है। आशावादी दृष्टिकोण के साथ वह पूरी ऊर्जा व तन्मयता से तैयारी में जुट गए हैं। गुरुवार को ABC चैनल ने जब DAV कॉलेज के छात्रों से बात की तो समण समाज के छात्रों में ऐसा ही माहौल दिखाई दिया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो श्रवणों को आरक्षण दिया गया 10%, इसके लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सोच समझ के किया गया है, आर्थिक रूप से किया गया है। जो उसके काबिल होंगे, जो उसके लायक होंगे, उन्हीं को श्रवणों को मिलेगा और यह बहुत ही अच्छी कार्यनीति है। क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ यही होगा कि जो गरीबों के बच्चे पीछे रहते थे उनको आगे बढ़ने की प्रवृत्ति मिलेगी और ये सदैव तत्पर रहेंगे किसी भी काम के लिए। और हमेशा के लिए पढ़ाई में भी इन लोगों का ध्यान भटकता था आरक्षण को लेके। जो पहले से आरक्षण के लिए कुछ लोगों का मन होता था कि हम पढ़ाई करें, बट आरक्षण की वजह से पीछे रह जाते थे, जिससे वो पढ़ाई करने से मन से भटक रहे थे। और ये एक बहुत ही अच्छी रास्ता है और इससे हमारे हम श्रवणों का कल्याण भी होगा। जो हमें रिजर्वेशन या आरक्षण मिला है उसके मैं फेवर में हूँ, अगेंस्ट में तो नहीं हूँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम जब भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते थे तो उसमें हम 1-2 नंबर से ही खिंच जाते थे, पीछे रह जाते थे। लेकिन अब रिजर्वेशन की वजह से हमें जो प्रॉफिट बेनिफिट मिला है ये बहुत अच्छा है। ये बहुत बहुत सालों से लोग कोशिश कर रहे थे पर मोदी जी ने करा है। ये हमारे लिए तो फेवर की बात है। लेकिन SC ST के लोग, जितने लोग इसके अगेंस्ट में कह रहे हैं, वो उनका 25% है, बट इवन हमारा 10% है। लेकिन ये हमारे फेवर की बात है, हमें इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। जैसे हमारे जो नंबर 1-2 नंबर से रुक जाते थे, इवन मेरे चाचा का अभी एग्ज़ाम रुक गया था तो उन्होंने कहा था कि मतलब हमारे पास रिजर्वेशन रहता तो हमें शायद मेरा हो जाता, बट अब उनका हो जाएगा। अगर अब उनके 1-2 नंबर से कम होंगे तो अब रिजर्वेशन मिला है हमें। 10% हमारे लिए बहुत है तो मेरा भी हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए रिजर्वेशन तो अच्छा है। आप लोग खुशी है? जी, खुशी तो होगी ना, रिजर्वेशन 10% मिला है। 25 नहीं तो 10 तो मिला है कम से कम।
हाँ बहुत आराम मिलेगा। अब जो हाँ उतनी सारी प्रैक्टिसेस रहती थी, 1-2% से नंबर कम होंगे तो वो रिजर्वेशन में आके शायद हमारा मेरिट बन जाए। वहीं कुछ छात्रों ने आरक्षण की प्रणाली को ही समाप्त करने की बात करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा को चुनावी जुमला बताया। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को आरक्षण ही बंद कर देना चाहिए। आरक्षण उनको लोग मिले जो लोग गरीब हैं, गरीब तबके जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। जातिगत आरक्षण मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग नहीं उठ पाते हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं उन्हीं लोग लड़कों को आरक्षण मिलता है, अगर वो एससी में है या ओबीसी में है तो ये तो मेरे तरफ से जो एकदम अपूर्ण जो है इसको बंद कर देना चाहिए पूरी तरीके से। हम चाहते हैं कि आरक्षण बंद हो जाए जो है। ये पूरी तरीके से चुनावी जुमला है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट के पास कुछ बचा नहीं था, वो अपनी जमीन खो रही थी, तो ऐसे जो है जातिवाद जो है कार्ड खेला ताकि जो है हम लोगों को जो गुमराह कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और अन्य जगहों में नोटे का ज़्यादा ही प्रयोग किया गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने किया एकदम पूरी तरह से छवाला छलावा है, जुमलेबाजी है। बुधवार को निवर्तमान पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि को मीडिया परिवार ने भावभीनी विदाई दी। रायदोपुर क्षेत्र में आयोजित हुए विदाई समारोह में डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र विजय भूषण, एसपी सिटी कमलेश बहादुर, एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी मऊ सहित इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। समारोह के दौरान डॉक्टर पीयूष सिंह, डॉक्टर सुभाष सिंह, अशोक वर्मा, संदीप सौरभ सिंह, विकास ओझा, राम सिंह गुड्डू, राजीव श्रीवास्तव, ओम अग्रवाल, संदीप श्रीवास्तव, असलम, रवि सिंह, देवव्रत श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, विवेक, मनोज, प्रत्युष, राम सकल, मनीष, सोनू सेठ सहित तमाम लोगों ने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक को बुके भेंट कर, माला पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह को समाप्त करते हुए डीआईजी आजमगढ़ रेंज विजय भूषण ने छवि की बेहतर छवि के लिए उनकी कर्तव्य निष्ठा की तारीफ किया। मैं बैठा यही सोच रहा था कि जिस जनपद में पत्रकार बंधुओं ने विदाई दी ऐसा कोई जनपद मैं याद कर रहा था बैठे, क्योंकि यदि पत्रकार बंधुओं ने विदाई दे दी तो इसका मतलब यह है कि वैसे तो बहुत सी संस्थाएं, व्यापार संघ, हमारे जो एडवोकेट हैं उनका संघ और कई संस्थाएं विदाई देती हैं, और अगर पत्रकार बंधुओं ने विदाई दे दी तो उसका मतलब आपका कार्य जो है वो उच्च स्तरीय उच्च कोटि का था। इससे बड़ा मैं नहीं सोचता कि कोई प्रमाण पत्र कहीं से प्राप्त किए जाने। देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। और खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन पाएगा। और कहता यही है दिल, ये हमारा हंसी हर वो पल था जो साथ गुजारा, किस्मत ने चाहा किसी मोड़ पर हम आकर मिलेंगे फिर से दोबारा। अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने कहा कि पुलिस व पत्रकार का मकसद एक ही है, इनके बीच सामंजस्य होना महत्वपूर्ण है। इस दौरान आजमगढ़ में मिले सम्मान और विश्वास के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। दोनों का एक ही मकसद है, हमारा भी और आपका भी। हमारा मकसद है जो हमारे पास पब्लिक न्याय के लिए आती है उनको हम न्यायिक सहायता दें, लीगल असिस्टेंस दें। आपकी भी यही काम है कि जनता की आवाज को कोई सुन नहीं रहा है तो उसको सुनाए। ये दोनों एक आपस में भाईचारे का है, इसलिए जहाँ कहीं भी अखबारों में कहीं कोई भी जनता से संबंधित बातें आई मैंने संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया। कई बार हमारे पत्रकार बंधु ने बताया अभी आशीष जी नहीं आए होंगे, उन्होंने एक बार अहरोगा का मैटर बताया था, मैंने SBRA साहब तत्काल बताया, किसी आदमी को जो है गलत ढंग से गलियों में जेल भेज दिया गया था और हम लोगों ने उसको 169 में मुक्त कराया। तो मैं बहुत बारीकी से देखता था कि भाई कहाँ जनता की बातें हैं और कहाँ पर जो है पत्रकारों को क्या समस्या है। मेरी कोशिश यही थी कि कहीं से भी
किसी भी पत्रकार बंधु बहुत ही अच्छा जिला है, बहुत ही सभ्य जिला है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। धीरे धीरे मैंने जाना, धीरे धीरे लोगों को पहचाना, धीरे धीरे गलियाँ देखी, चौराहे देखे, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि मैं फिर से आजमगढ़ की सेवा कर सकूँ, आजमगढ़ की जनता की सेवा कर सकूँ। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल में भी समारोह का आयोजन कर विद्यालय परिवार ने निवर्तमान पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि को भावभीनी विदाई दी। विद्यालय परिवार की तरफ से प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने निवर्तमान एसपी को बुके, शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, तो विद्यालय के बच्चों ने फूलों व गीतों के माध्यम से विद्यालय परिसर में उनका स्वागत किया। विद्यालय के बच्चों ने बड़े ही खूबसूरत विदाई गीत के जरिए निवर्तमान एसपी को भावभीनी विदाई दी, जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो उठे। बुधवार को इंटरनेशनल इनर व्हील दिवस व आजमगढ़ शाखा के 25 वर्ष पूरे होने की खुशी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की सदस्याओं ने पहाड़पुर गौशाला में इनर व्हील दिवस मनाते हुए केक काटा, गायों की सेवा की, साथ ही साथ नगर की प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त शिक्षिका डॉक्टर शारदा सिंह को सम्मानित किया। इनर व्हील दिवस के अवसर पर गरीबों को भरपेट भोजन कराया गया और सेवा भाव के संकल्प को सभी के द्वारा एक स्वर में दोहराया गया। इस अवसर पर क्लब की चार्टर्ड प्रेसिडेंट रीता अग्रवाल ने इनर व्हील डे पर आयोजित हुए कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। आज हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय इनर व्हील डे मनाया, जिसको बहुत धूमधाम से सब सखियों के साथ। आज के दिन मैंने बुजुर्ग डॉक्टर शारदा सिंह, जो रिटायर्ड अध्यापिका थी, उनको सम्मानित किया और गौशाले में गाय को हरी घास, भूसा और रोटी, गुड़ सब खिलाया गया, अलाव जलाए गाय के लिए और सब चाट का इंतजाम था, केक काटा गया, इनर व्हील डे मनाया गया धूमधाम से। गरीब बच्चों को जो भूखे असहाय थे और गरीब वहाँ बुजुर्ग भी बहुत थे, उन लोगों को भरपेट भोजन, मीठा और खाना खिलाया गया, केक काटा गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष, गांधी स्मारक त्रिवेणी महाविद्यालय के पूर्व उपाचार्य व फेंकू सिंह महाविद्यालय चेवार के अध्यक्ष तथा अनेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के संरक्षक दशरथ सिंह का बुधवार को हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। प्रोफेसर सिंह के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। क्षेत्र में उन्हें नेता बाबू के नाम से जाना जाता था, विशेषज्ञ किसान नेता व कई सामाजिक आंदोलनों के अगुआ थे। अनेक शैक्षणिक संस्थाओं ने गुरुवार को अपने संस्थान बंद रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समूचा क्षेत्र उनके निधन से शोकमग्न रहा।